पंचगढ़ राज पूरा करेंगे। एम्बुलेंस को हम नेशनल प्रोग्राम में वैक्सीन बुकने के लिए यूज करेंगे। एमओआईसी कुछ प्रोग्राम में कहीं इमरजेंसी जाना है जा सकता है, लेकिन प्योरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिक प्रेग्नेंट लेडीज एनी कैजुअलिटी हैपनिंग इन द एंटायर इटाफोर्ट या कैपिटल कॉम्प्लेक्स उसमें होगा। व्हाट गॉड एंड व्हाटसोएवर जो आपने इसको देखा इस फाइनेंशियल टाइम पे नहीं कर पाएंगे भी, नेक्स्ट रिन्यू में भी आप इसको करना चाहिए और इनको करने का एक मौका मिलना जरूरी है, ये मैं समझता हूँ। ये अभी इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम बोल के ERSS अभी इसको ये हमारा होम एंड पुलिस से बैकअप करेगा। उसका जो है पहले क्या होता था, पुलिस जब डायल करे 100 होता था, अभी इट वॉन्ट बी नो मोर 100, इट विल बी 112। तो अभी जो है इट विल बी जियो मैप करेगा, आपको जियो मैपिंग करेगा, तो हर डिस्ट्रिक्ट का हर इंस्टीट्यूट का एम्बुलेंस को एंड ड्राइवर दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, आप लोग एक सिस्टर है और सिस्टर बोल के नहीं, आप लोग एक बहन है, एक बेटी है, एक माँ है। इसमें आप लोग माँ का आदा भी करना है, बेटी का आदा भी करना है, बहन का आदा भी करना है, क्योंकि आप सभी जो है मतलब अच्छा रूप प्ले कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब था कि ऐसे माफिक कोई रात में कभी आएगा उसको अभी समझ नहीं है, अभी मेडिसिन नहीं है, अभी हो नहीं है, अभी ये नहीं है बोल के अगर बोल देगा वो बीमारी तो आधा वहां ही जान दे देगा। अगर आप लोग बोलेगा आपका अगर दवाई भी नहीं होने से एक सेलिन भी बोतल लगा देने से, हम लोग का जो कम पढ़ा लिखा आदमी लोग तो एक सेलिन भी लगाने से तो बहुत एकदम दवा दे दिया बोल के, उसी में से भी अच्छा होगा एकदम। आप हॉस्पिटल पहुंच के चिंता मत करो, अभी ठीक हो जाएगा एकदम, चिंता मतलब बीमारी तो उसमें से एक ऐसे मतलब हाँ डॉक्टर साहब जब अच्छा होगा बोला है तो हम तो अच्छा होगा ही, लेकिन हमने वही सोचा कि डॉक्टर डॉक्टर का काम करेगा, इंजीनियर इंजीनियर का काम करेगा, अच्छा पॉलिटिशियन अच्छा पॉलिटिशियन का काम करेगा, अच्छा बिजनेसमैन अच्छा बिजनेस का काम करेगा। और इसलिए लास्ट शाम ये बोलना चाहूँगा, अगर इस साल तो इलेक्शन का साल, इलेक्शन का समय अभी ज़्यादा तो बचा नहीं, 5-6 महीना बचा है, और इसमें आप सभी को एकदम नया बिल्डिंग और नया कुछ सेंशन कर देगा वो क्या हम बोल के नहीं जाएगा। अगर नेक्स्ट इलेक्शन पार्टिसिपेट तो एकदम जोर शोर में करेगा, अगर वापस आता है तो हम सबसे पहले अगर वापस आता है तो इस हॉस्पिटल को एकदम हम RCC बिल्डिंग में ताबलने का उसको बदलने का मैं एकदम कोशिश करेगा, G+3 बनाने का नहीं। इसमें जो इटाफोर्ट हेल्थ सेंटर जो है आज पहले से बहुत काफ़ी साफ सुथरा रहा, और यहाँ की जो आज एम्बुलेंस दिया है तो यहाँ की जो आसपास का जो किसी को जो प्रॉब्लम आएगा और जैसे कि कोई डिलीवरी केस होगा तो इमीडिएट मतलब जैसे कि टेलीफोन बाय टेलीफोन अगर किसी ने भी खबर देगा तो ये इमीडिएट पहुंच सकता है। और यहाँ की जनता का लिए माँ बहन का लिए वो काफ़ी उनका लिए ये सबसे आज का जो एम्बुलेंस जो है काफ़ी उनका लाभदायक होगा, तो उनका जो समय में और पहले तो यहाँ से RK मिशन में जाना पड़ता था और बाकी हॉस्पिटल में ये पब्लिक हॉस्पिटल में जाने से तो काफ़ी पैसा का ज़रूरी है और नाहरलगुन जाने में काफ़ी दूर है और काफ़ी ट्रैफिक है, इसलिए यहाँ आमने सामने वाला का काफ़ी पैदा होगा। और यहाँ जो है इतना उन लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर देखा जाए तो ये बहुत से साफ सुथरा में है, और किसी को अगर विश्वास नहीं है सिर्फ बासुने मरता है बोल के अगर कोई किसी ने अगर दावत है तो यहाँ आकर देख सकता है, और देखने का बाद उनको पता चलेगा कि यहाँ का सिस्टर यहाँ का डॉक्टर और यहाँ इस हॉस्पिटल को कैसे बना के रखा है, कैसे सुंदरता बना के रखा है हेल्थ को। तो
तो इसलिए वो देखने का बात ही उनको पता चलेगा कि हाँ सही मत सही सलामत ये काम कर रहा है और आगे भी इस हॉस्पिटल को भी देख के बाकी वो हॉस्पिटल भी साफ सुथरा रखने में सक्षम होगा।